आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में कि जिस कार में ब्लूटूथ नहीं है म्यूजिक प्लेयर में, वहाँ पे ब्लूटूथ कैसे इनेबल करें या कैसे इन ब्लूटूथ डिवाइस के कंपेटेबल बनाएं या ब्लूटूथ का कैसा इसमें अरेंजमेंट बनाएं ताकि अपन ब्लूटूथ से म्यूजिक बजा सकें। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा ऐसा ब्लूटूथ किट का जो करीब 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में मिलेगा मार्केट में। ये ब्लूटूथ वर्जन 3.0 है, इसमें पीछे 1.8 BT लिखा रहता है। इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट आउट, ग्राउंड, राइट आउट, VCC और ग्राउंड है। VCC 5 वोल्ट का रहता है, ग्राउंड 0 वोल्ट, और ये ग्राउंड इस ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड रहता है। लेफ्ट ऑडियो आउटपुट, राइट ऑडियो आउटपुट है, ये लेफ्ट ऑडियो आउटपुट है। इसके लिए आपको ऐसा जोड़ करके बना लेंगे। यहाँ पे 3.5 mm का जैक लगा हुआ है जिसका ये दो लास्ट वाला दो रिंग ग्राउंड है, ए लेफ्ट ए राइट, इसका किट यहाँ पे लगा हुआ है। और इस किट को पावर देने के लिए ये USB का केबल लगा है। अब आपको आपके म्यूजिक प्लेयर में ये ऑक्सिलरी इनपुट होना चाहिए और ये USB का कनेक्शन होना चाहिए। अगर USB कनेक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे एक चार्जर लगा के इससे भी पावर दे सकते हैं। तो अभी मेरे म्यूजिक प्लेयर में USB भी है, ऑक्सिलरी भी है। इस म्यूजिक प्लेयर में ब्लूटूथ है लेकिन मैं एक अलग से ब्लूटूथ और लगाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। या किसी में ब्लूटूथ नहीं है तो वो बना करके लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सिलेक्शन ऑक्सिलरी इन पे कर लेंगे ताकि ऑडियो का जो सोर्स रहेगा यहाँ से लेगा, ऑडियो यहाँ से लेगा। अब इस किट को लगाएंगे तो इस किट को लगाने के लिए सबसे पहले 3.5 mm के जैक में ये जो बनाया हुआ है 3.5 mm का जैक, इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको पावर देने के लिए यहाँ पे लगा देंगे। ये कनेक्शन देख करके ये लग गया, ये आवाज़ आया, ये कनेक्ट हो गया, मतलब ये अभी ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है ये पावर इसको अप हो गया है। ऑडियो इनपुट से अभी आवाज़ भी आ गया है कि मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको पेयर करेंगे। तो पेयरिंग करने के लिए मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है, मैं इसमें ब्लूटूथ चालू करूंगा। ब्लूटूथ चालू है और इसकी सेटिंग में जाऊंगा। पेयर न्यू में गए, यहाँ पे 3.0 BT लिखा है, इस पर कनेक्शन किए तो यहाँ पे कनेक्शन पूछ रहा है, पेयर कर दिए, आवाज़ आ गया। अभी कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ब्लूटूथ में यहाँ पे कनेक्शन का सिंबल भी आ गया है। अब इसमें एक NCS बजा करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा सब कुछ सही है कि नहीं सही है। देखिए पॉज और प्ले, पॉज प्ले। ये कनेक्शन हो गया है, मतलब है कि मोबाइल का सिग्नल ब्लूटूथ से कनेक्ट है। इस यहाँ पे जो मॉड्यूल लगा है उसमें मॉड्यूल को पावर देता है USB, और मॉड्यूल का जो ऑडियो आउटपुट है लेफ्ट राइट और ग्राउंड वो 3.5 mm के जैक से म्यूजिक प्लेयर के साथ कनेक्टेड है और म्यूजिक प्लेयर ऑक्सिलरी इन में सिलेक्टेड है। इसको किसी और में सिलेक्ट करेंगे
तो इस डिवाइस के साथ में ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वापस से अगजरी इन करेंगे तो ब्लूटूथ साथ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे वापस बजाएंगे तो वापस बजेगा। वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।